ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रेप्टाइल्स ने अपने को करोड़ों सालों से बचाए रखा है। प्राचीन समय में सबसे विशालकाय सांप एडेनोबोवा को माना जाता था, लेकिन आज वो विलुप्त हो चुका है। उसके विलुप्त होने के पश्चात इस समय धरती पर जो दो सबसे बड़े सांप हैं, उनका नाम है पाइथन और दूसरा है किंग कोबरा। पाइथन अपनी उंगली के दम पर शिकार करने वाला सांप है और दुनिया का सबसे लंबा सांप है। वही किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। पाइथन जैसे सांपों को अजगर बोलकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि अजगर उनको बोलते हैं जो कुंडली की शक्ति से शिकार करते हैं। यह दोनों एशिया के जंगलों में मौजूद है, तो इनका आमना सामना तो जरूर होता होगा। लेकिन क्या होता होगा तब जब यह एक दूसरे को शिकार समझकर एक दूसरे पर टूट पड़ते होंगे? कौन होगा विजेता? कौन है ज्यादा शक्तिशाली? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं किंग कोबरा से। यह एशिया का सबसे बड़ा और लंबा जहरीला सांप है। यह ओफियोफोगस प्रजाति से संबंधित है, यानी कि सांपों का शिकार करने वाला सांप। यह सभी तरह के सांपों का शिकार करता है, चाहे वो जहरीले हो या ना हो। साथ ही ये अपनी प्रजाति के सांपों का शिकार करने में भी सक्षम है। जहाँ सभी सांप रात को शिकार करते हैं, तो वहीं किंग कोबरा दिन में शिकार करने में अधिक सक्रिय रहता है। लेकिन एक सवाल तो सभी के मन में यह आता है कि किंग कोबरा जब जहरीले सांपों का शिकार करता है, तो यदि कोई जहरीला सांप इसको काट लेता है तो इसको उसके जहर का असर होता है या नहीं? तो आपको एक बार बता दें, किंग कोबरा ने इतने ज्यादा जहरीले सांपों का शिकार किया है कि इसने कई तरह के जहरीले सांपों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इसीलिए इसको कोई भी जहरीला सांप काट ले, लेकिन इसको कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद सभी सांपों के खिलाफ लगभग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। तो वहीं पाइथन का जहर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पाइथन की 42 प्रजातियां इस दुनिया में अब तक खोजी जा चुकी है। इन प्रजातियों की लंबाई और वजन अलग अलग होता है, जिसकी अधिकतम प्रजाति की लंबाई 10 से लेकर 15 फीट तक होती है। लेकिन रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है पाइथन की, जिसकी लंबाई 24 से लेकर 27 फीट तक होती है। हालांकि यह इससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। रेटिकुलेटेड पाइथन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह घात लगाकर पानी में छुपे रहते हैं। इनके शिकार को इनकी भनक तक नहीं लगती, लेकिन जब शिकार पानी पीने के लिए नदी किनारे जाता है, तब यह अचानक से अपने जबड़ों से उस पर हमला करते हैं। उसके पश्चात यह अपनी कुंडली उसके चारों ओर कसना शुरू करते हैं। यह धीरे धीरे कुंडली कसते हैं, और जैसे जैसे इनका शिकार सांस को बाहर छोड़ता जाता है, इनकी कुंडली शक्तिशाली होती जाती है, और थोड़ी देर के पश्चात शिकार की दम घुटने से मौत हो जाती है। लेकिन किंग कोबरा का शिकार किंग कोबरा के जहर के कारण दम तोड़ता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। जब इसका जहर किसी शिकार के अंदर जाता है, तो उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और वो मर जाता है। यह बहुत अधिक मात्रा में शिकार के अंदर अपना जहर इंजेक्ट करता है, क्योंकि इसके विष दंत बहुत बड़े होते हैं। वैसे आमतौर पर किंग कोबरा जो दिखाई देते हैं, उनकी लंबाई 12 से लेकर 14 फीट तक होती है, और उनका वजन होता है लगभग 6.5 किलो तक। लेकिन जब यदि किसी बड़े किंग कोबरा की बात करें, तो उसकी लंबाई 18 से लेकर 20 फीट तक हो सकती है, और उसका वजन 12 से लेकर 14 किलो तक हो सकता है। इतना बड़ा किंग कोबरा आसानी से मॉनिटर लिजर्ड जैसी बड़ी छिपकलियों को अपना शिकार बना सकता है। किंग कोबरा में मेल डोमिनेंट होते हैं और फीमेल से बड़ा होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पाइथन में फीमेल मेल से बड़ी और शक्तिशाली होती है। पाइथन पानी के अंदर 30 मिनट तक अपनी सांस रोककर रह सकता है। पाइथन भले ही जमीन पर धीमा हो, लेकिन पानी के अंदर पाइथन की रफ्तार अच्छी खासी होती है। रेटिकुलेटेड पाइथन का वजन लगभग 140 किलो से लेकर 160 किलो तक हो सकता है। इतना बड़ा पाइथन मगरमच्छ का भी आसानी से शिकार कर सकता है, साथ ही बड़ी मॉनिटर लिजर्ड का भी शिकार करने में सक्षम है। अपनी कुंडली तब तक शिकार के चारों ओर कस के रखता है जब तक इसका शिकार दम ना तोड़ दे। उसके पश्चात यह अपने शिकार को पूरा का पूरा साबुत ही निगल जाता है। यह एक बार भोजन करने के पश्चात इसको काफी लंबे समय तक भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पाचन तंत्र में ऐसे ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो शिकार की हड्डी तक गला दें। पाइथन कई रंगों के हो सकते हैं। कुछ रंग तो पाइथन के बेहद ही ज्यादा आकर्षक होते हैं। इसी कारण दुनिया में कुछ देशों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पाइथन को घर पर पालते हैं। हालांकि जब पाइथन बड़ा हो जाता है, तब इसको वो जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी पाइथन को ट्रेन करना तो नामुमकिन है।
तो इतने बड़े पाइथन से उन्हें खतरा हो सकता है, इसीलिए वो इसे जंगलों में छोड़ देते हैं। पाइथन एक अच्छा तैराक होता है, तो वही किंग कोबरा भी एक बहुत अच्छा तैराक होता है। किंग कोबरा जल, जमीन, पेड़ तीनों में शिकार कर सकता है। यह अपने फन को जमीन से 6 फीट तक ऊपर उठा सकता है। हालांकि कोबरा प्रजाति का कोई और सांप अपने फन को जमीन से 6 फीट ऊपर तक नहीं उठा सकता। इसके अंदर इतना जहर होता है, यदि एक बार काट ले तो विशाल गाय हाथी भी अपना दम तोड़ दे। इसका सबसे पसंदीदा भोजन दूसरे सांप होते हैं, लेकिन एक हैरानी वाली बात तो यह है कि इन कोबरा घोंसला बना के रहते हैं। इनका घोंसला जमीन पर ही होता है और किसी पेड़ की जड़ के आसपास होता है, और उसी पर यह अपने अंडे भी देते हैं। किंग कोबरा बहुत बड़े इलाके में अपना वर्चस्व रखते हैं। यह अपने इलाके में दूसरे किंग कोबरा को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। उस शोधकर्ताओं का कहना है कि यह कोबरा प्रजाति का सांप नहीं है, क्योंकि इसका फन दूसरे कोबरा प्रजाति के मुकाबले चौड़ा नहीं होता है। इसका फन काफी नैरो होता है। यह कोबरा प्रजाति के सांपों से ज्यादा नहीं खाता है, उससे ज्यादा तो ये अफ्रीका में पाया जाने वाला ब्लैक मामा सांप से मेल खाता है। खैर जो भी हो, लेकिन यह सांप सभी सांपों का राजा है, क्योंकि इसकी अटैक टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर होती है। दूसरे जहरीले सांपों के मुकाबले तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करता है फन उठाकर। इसी अटैक टेक्निक के दम पर यह अपने से ज्यादा जहरीले सांप जैसे कि ब्लैक मामा का भी शिकार करने में सक्षम है। दुनिया में कई देशों में शोधकर्ता किंग कोबरा के जहर से दवाई बनाने के कार्य में लगे हैं। जहर से कई गंभीर बीमारियों की दवाई बनाना संभव हो चुका है, ताकि आज किंग कोबरा और पाइथन जैसे विशालकाय सांप दुनिया में कमी दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय बढ़ती हुई इंसानों की आबादी जंगल काट रही है, जिस कारण ऐसे जीवों को रहने के लिए पर्याप्त अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा है। आपने इन दोनों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। दोनों ही खतरनाक प्रीडेटर हैं, तो मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक तथा रोमांचक होगा। पाइथन और किंग कोबरा जब आमने सामने होंगे तो एक दूसरे को अपना शिकार समझेंगे और एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। इनकी तुलना में किंग कोबरा काफी ज्यादा फुर्तीला सांप है। यह अपने फन से पाइथन में जहर इंजेक्ट कर देगा, लेकिन 160 किलो के पाइथन में जहर का असर होने में बहुत समय तो जरूर लगेगा। उसी बीच पाइथन अपनी कुंडली में किंग कोबरा को दबा लेगा, और ऐसे दुनिया में कई बार मुकाबले देखे गए हैं जहां पाइथन की किंग कोबरा के जहर से मौत हुई है और किंग कोबरा की उनकी कुंडली में दम घुटने से मौत हुई। अतः इस मुकाबले में दोनों के समाप्त हो जाने की बहुत अधिक प्रायिकता है, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक और शक्तिशाली सांप हैं। अपने अंतिम समय में भी यह एक दूसरे को मारे बिना नहीं छोड़ने वाले। ये थे धरती के उन दो सांपों के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स, जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है और डरे भी क्यों ना, क्योंकि एक है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सांप पाइथन और दूसरा है दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप किंग कोबरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा इन दोनों में से आपको ज्यादा खतरनाक रेप्टाइल्स कौन सा लगा। धन्यवाद दोस्तों।